सकता यार। घंटा मैंने स्कूटी में 400 रुपए का पेट्रोल भरवा दिया, 500 रुपए किराया दे दिया, अब तू बोल रहा है मैं नहीं चलूंगा। भाई देख, मुझे और मीना को ना पूरा सिलेबस करना है इन 4 दिनों में। यार यार तू हमेशा ऐसी करता है। दशहरे मेले का प्लान भी तूने ऐसे ही खराब कर दिया था। एक मिनट, दशहरे मेले के टाइम में था ही नहीं यहाँ पे। हाँ तो वही तो, तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। भाई शिवांगी ना मुझे काफी समय से अवॉइड कर रही है, कहीं ब्रेकअप ना कर दे यार। वो तो इतनी मीन भी नहीं है कि किसी दूसरे लड़के का अपनी जिंदगी में आने का वेट करेगी। मैं ना 4 दिन में उसके साथ ट्रॉयका से तलब, 7 वंडर से सीवी गार्डन, राधा कृष्ण से खड़े गणेश जी सब घूम लेना चाहता हूँ, ताकि यहाँ कोटा में हमारी इतनी मेमोरीज बन जाए कि ब्रेकअप का थॉट आते ही उसके दिल में तकलीफ हो। बेसिक रोमांटिक कंज्यूमरिज्म यार। भाई तो तू चला जाना यार, मुझे क्यों कबाब में हड्डी बना रहा है यार। भाई भाई कुछ कबाब बिना हड्डी के नहीं बनते, सब लोग घूमने चलेंगे तो वो आएगी, अकेले नहीं चलेगी यार। पर भाई हमारा रिवीजन उसका क्या? मैं वही बता रहा था, कुछ अपरिहार्य कारण है ना, मैं बात रिवीजन नहीं कर पाएंगे। क्या 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 भाई, पूरा सिलेबस करना हमको इन 4 दिनों में? मुझे रिलैक्स करना है, जीतू भैया ने कही है। उदय जी आप मुझे ले चलिए। पलटेगा तो नहीं, प्रॉमिस कर। नहीं मीना, यार मुझे लगता है मुझे भी चल ही लेना चाहिए। हाँ हाँ चलना यार, है ना। थैंक यू यार। अगले साल दशहरा मेला पे। तुम जाओ, मैं ना बैठ के पढ़ूंगा।